नहीं है, 15 बयान हो गए। सुबह चला था अमित भाई मुस्ताक भाई कहते हैं हमारे यहाँ का बयान सेंसर होगा, आपका तो पूरा आवाज बैठ गया है। तो मैंने कहा करिश्मा है हमारे साथ में, मोहम्मद अशरफ भी आगे, वो भी अक्सर बोलते हैं कि आप जब बयान शुरू करते हैं तो आपकी बैटरी रिचार्ज होती है। हम लोगों का ईमान है, हाँ ईमान है हम लोगों का। तो मैं खासतौर से हिसाब दे रहा हूँ कि हिंदू भाइयों को भी, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि हिंदू भाइयों को भी बताओ कि रमजान मुसीबत नहीं है। कई लोग कह रहे थे रमजान आप लोगों के घर नहीं आ रहे, क्या होगा क्या होगा। मैं कहा रमजान के एक दिन पहले केले वाले की गाड़ी पर मैं केले लेने पहुंचा तो वहां एक हिंदू भाई उससे केले ले रहा था और उस हिंदू ने मुसलमान से कहा उस केले वाले से कि आप लोगों के रमजान जो है रोजे कब से शुरू हुए ना, तो बोले हम कब से शुरू हुए, हम लोगों की भी उपवास आने वाले हैं। तो अब ये क्या कहते हैं केले वाला उसको रमजान रोजा क्या है। अब केले वालों को क्या होता मियां हमारे रमजान बहुत डेंजर है। अल्लाह की रहमत है क्या है, हेलो अल्लाह की रहमत है। और शुरू में जो मैंने कहा ना कि एहसास करो अल्लाह का एहसान, उसकी इनाम का शुक्र अदा करो कि उस खालिक का करम है कि उसने हमको दे दिया। और इसलिए मैंने शुरू में आपसे आमीन बुलवाया कि मेरे मौला इस साल का रमजान तूने दे दिया तेरा एहसान। अब ये भी दुआ करो इस पर आमीन कहना कि मेरे मौला रमजान की पूरी खैर वरकतें नसीब फरमा, रमजान की ताकतें नसीब फरमा, रमजान की शबे कदर नसीब फरमा और लैलतुल जायजा नसीब फरमा। लैलतुल जायजा कौन सी, जिस दिन हम बनियान वगैरह ले जाते नहीं बन जाए क्योंकि स्पेशल आइटम है। अभी मार्केट में जाएगा मगर बनियान तो भी इधर नहीं है स्पेशल, उस दिन चार लाख तो ले जाता हूँ, कब उसी दिन लेना हूँ। तो इनाम की रात है, अल्लाह देना चाहता है लेकिन बंदा लेने को तैयार नहीं। अब महीना भर काम किया और पेमेंट के दिन भाग गया तो गलती किसकी, अरे बोलो गलती मजदूर की ना भैया। महीना भर काम किया और बेवकूफ जिस दिन पेमेंट मिलने वाली थी, समझ रहा तो दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह आदमी कहना अल्लाह लैलतुल जायजा भी नसीब, अल्लाह वो ईद का दिन, वो ईद का दिन जिस दिन तू बड़ा खुश होता है और खुश होकर फरिश्तों से कहता है ऐ फरिश्तों गवाह रहना मैंने रमजान के रोजों और रमजान की इबादतों के बदले मेरे बंदों को माफ कर दिया। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह वो इनाम का दिन भी हमको नसीब। मैं परसों सूरत में था, बारोली में था, बयान करने के लिए बैठे, चिट्ठी आई मेरे हाथ में, वो चिट्ठी भी लिखा था मुफ्ती साहब ऐलान कर दो हारून भाई मोहम्मद हारून मेहमान उनका अपने आदमी जब मुफ्ती साहब ऐलान कर दो हारून मेहमान का इंतकाल हो गया। तो उनके भाई खुद मुझसे कहने लगे कि मुफ्ती साहब बड़ा जबरदस्त अंदाज में रमजान गुजार रहे थे लेकिन अब अल्लाह का फैसला है, अल्लाह ने जो नजात वाला अशरा है जो ताक लाते हैं वो नसीब नहीं किया, तो हमको भरोसा है। अरे बोल अभी मेरे फलान है मैं भी यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा आखिर अशरफ तेलंगाना हैदराबाद निजामाबाद बड़े मोन सूबे प्लेन के टिकट वगैरह सब बन गए हैं, ये खबर नहीं है कि यहाँ पे जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। अल्लाह से मांगो है ना, और रमजान मानने की चीज है। अफसोस ये होता है कि मुसलमान ने आज तक के रमजान की कदर कीमत को नहीं समझा। अरे सुनो समझो इस बात को कि जब बख्शा बख्शाया रसूल बख्शा बख्शाया नबी, अगर रमजान अल्लाह से रो रो कर दो महीना पहले से मांगता था तो आखिर कोई तो बात होगी रमजान में। मैं अगर अल्लाह के घर में आपसे सवाल करूँ सच्चे दिल से बताना, अल्लाह के घर में मैं सवाल करूँ कि बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो दो महीना पहले से रो रो कर अल्लाह से रमजान मांग रहे थे, हाथ उठाओ। जीरो परसेंट भी नहीं, ऐसा लगता है कि हम ज्यादा बख्शे गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमजान को समझो और नबी की जिंदगी में आपको मिलता है कि रमजान के आने से पहले, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ रमजान के बारे में, नबी की जिंदगी में मिलता है कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफा जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आने से पहले दोस्तों को जमा करते थे और रमजान की अहमियत बताते थे। अफसोस होता है कि मुसलमान के पास कदर नहीं है। रमजान में एक अमल ऐसा है भाइयों, एक अमल ऐसा है रमजान में कि अल्लाह
अल्लाह ने उस अमल के बारे में कहा कि लोगों सुनाओ उसका बदला मैं खुद हूं, और उसका बदला और दूसरे अल्फाज हदीस में उसका बदला अल्लाह कहता है मैं दूंगा मैं, और वो अमल क्या है सौली वजीबी है मोहम्मद कह दो कि रोजा मेरे लिए है मेरे लिए। अब एक बात कहने की है कि अल्लाह नमाज तो दे लिए, आजकल लोग नमाज पढ़ते तो हम लोग नियत क्या मानते खास वास्ते नियत का नमाज सार रकात पढ़ा खास वास्ते अल्लाह के पीछे इमाम के सामने एसी के आजकल एसी वाली मस्जिदों का ईमान पढ़ गया ना दूसरी मंजिल में एसी नहीं, और ये मस्जिद वाले तो कम से कम इतने अच्छे बिचारे के इन्होंने इमाम का भी ख्याल रखा, वरना अक्सर मस्जिद में यहाँ नहीं रहता इमाम साहब अच्छे लोग है। तो जाहिर बात है कि जब हम नमाज के लिए बातें हम कहते हैं नमाज भी तेरे लिए ज़कात भी तेरे लिए हज भी तेरे लिए, लेकिन बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ गौर से सुनना कि बड़ी प्यारी बात जब सब उसके लिए है तो रोजे के ताल्लुक से स्पेशल अल्लाह ने ये लफ्ज क्यों कहा कि अस्सौमुली रोजा मेरे लिए है, सोचा मैंने बात करा तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने बताई बड़ी प्यारी बात रोजे के ताल्लुक से स्पेशल अल्लाह ने मेरे लिए रोजा है इसलिए इस्तेमाल किया कि दूसरी तमाम इबादतों में गड़बड़ी हो सकती है दिखावा हो सकता है और होता भी है, लेकिन रोजा इतना प्यारा अमल है कि रोजे में दिखावा होता ही रोजा है कि नहीं है किसी को मालूम नहीं चलेगा, नमाज में दिखावा होता है और लोग करते ही है, हज में दिखावा होता है और लोग करती भी है। एक बात एक चल रहा है दो चाचा और बड़े बाप के लड़कों का, मैंने दया तुम्हारे चाचा की लड़की की शादी है आप लोग वहाँ शायद आज ही से चले जाएंगे कब शादी है, तो मैंने कहा नहीं मुफ्ती साहब हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे आगे मुफ्ती साहब आपने उनके यहाँ का जो शादी का होता है वो देखा आपने ना देखा उसमें तो तुम्हारे अब्बा का नाम है अब्दा ही मुझे लिखा है, आगे मुफ्ती साहब गौर से देखो अब्बा को मैंने हज करवाया लेकिन उनको दुश्मनी और खुन्नस कितनी है कि मेरे अब्बा के सामने हाजी नहीं क्यों तो हाजी में दिखावा होता है नमाज में दिखावा होता है इसलिए रोजे में दिखावा नहीं होता। अल्लाह ने क्या कहा अस्सौमुली रोजा मेरे लिए है वरना अजदी और उसका बदला मैं ही दूंगा, तो अल्लाह ने लिखा है अभी नमाज पढ़े पढ़ने आप आए नमाज का सवाब फरिश्ते लिखते हैं आप आए फरिश्ते ने लिख लिया, फरज पढ़ी फरिश्ते ने लिख लिया, सुन्नत पढ़ा फरिश्ते ने लिख लिया, नफिल छोड़ के भाग गया उनके लिखा तो नमाज पढ़ते हैं फरिश्ते लिखते हैं, ज़कात देता है इतना इतना सवाब फरिश्ते लिखते हैं, हज किया इतना इतना सवाब फरिश्ते लिखते हैं, उमरा किया इतना इतना सवाब फरिश्ते लिखते हैं, सबका ख्याल किया इतना इतना सवाब फरिश्ते लिखते हैं, लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह का फरिश्ते नहीं लिखेंगे मैं दूंगा, और अल्लाह देगा तो अपनी शान के मुताबिक देगा। हमारा मामला तो यह है कि हजार देने की ताकत है तो सौ देके भाग दे, सौ देने की ताकत है तो दस रुपये डालकर भाग जाते, अल्लाह देगा तो अपनी शान के हिसाब से देगा शान के मुताबिक देगा, तो अल्लाह ने कहा कि रोजे का बदला मैं दूंगा, और उलमा कहते हैं कि ये दस अल्लाह ने किसी और इबादत के ताल्लुक से बिल्कुल नहीं, लेकिन अफसोस क्या मुसलमान बहाने से रोजा छोड़ रहे हैं, क्यों बहाने से रोजा छोड़ रहे हैं, कई लोग तो कहते मुफ्ती साहब मैं रोजा क्यों नहीं रखा, अरे मुफ्ती साहब ऐसा लगता है कि अगर रोजा रखूं तो ऐसा लगता है दम निकल जाएगा, तो मतलब बहुत अच्छी बात है ऐसा लगता है दम निकल जाएगा तो रोजे में दम निकलेगा ऐसी अच्छी बात कोई हो सकती है, अरे बोलो अच्छी बात है ना दम निकल जाएगा तो छोड़ रहे जवानों को देखो हट्टे करते हैं खा रहे पी रहे मैंने जवान को एक तो पकड़ा अभी रोजे क्यों नहीं रखता प्यास नहीं बर्दाश्त होती है, नहीं नहीं मुफ्ती साहब प्यास का कोई टेंशन नहीं दो तीन दिन पानी मत लो
तो भूख का मसला है, भूख का भी कोई मसला है क्या? जब प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती तो मसला है क्या? तो धीरे से कहता सिगरेट नहीं समझा, गुटखा क्या गुटखा। अरे अल्लाह यही तो सारा है, अल्लाह यही चाह रहा है कि मेरे बंदे ने तुझे बेहतरीन रोजे के जरिए से तुझे बेहतरीन इंसान बनाना चाहता हूं। मैंने कल कहा सुनते हैं कि अपने हिंदू भाइयों को बताओ कि रोजा इंसान को बेहतरीन इंसान बनाने की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। जैसे पुलिस में आप जाओ तो ट्रेनिंग होती है, टीचर बनो तो ट्रेनिंग होती है, ड्राइवर बनो तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन इंसान बनने की ट्रेनिंग कहीं नहीं है। आप जब मार्केट में जाओ तो आपको लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंजीनियरिंग क्लासेस, ये क्लासेस वो क्लासेस, लेकिन कहीं आपको नहीं लिखा मिलेगा इंसान क्लासेस। इंसान बनाने की मेहनत कहीं होगी, और आज जरूरत है, जरूरत इंसान को इंसान बनाने की मेहनत की जाए। और 124,000 अंबिया ने यही मेहनत की। आज इंसान इतना सरीता बन गया है, इतना हैवान बन गया है, ऐसा शालिम और कातिल बन गया है कि शेर के दरिंदों ने, चीपों ने, भेड़ियों ने, सांप और बिच्छुओं ने इतना शोर नहीं किया होगा और इतनी दरिंदगी नहीं किया होगा जितना इंसान आज कर रहा है। कभी नहीं मचाया होगा किसी दरिंदे ने इतना खून। जानवर के नाम पर इंसान मारा जा रहा है मेरे मुल्क में, गाय के नाम पर, जानवर के लिए। क्या तो बोले गाय नाता क्या? मैंने कहा मध्य प्रदेश में खुलकर हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि इनसे कहो, कहो उससे कुंडों से कहो कि अगर माँ की इतनी फिक्र है तो जिस माँ के पेट में 9 महीने रहा और जिस माँ ने तुझे पाल पोसकर चलने के लायक बनाया, अरे कभी उस माँ के सर में तेल नहीं डाला, कभी उसके सरा में बैठ कर उसके पैर नहीं लगाए, और गौ माता की फिक्र कर रहा है। अरे गौ माता कचरे के ढेर पर खड़े रहकर प्लास्टिक खा रही है, नहीं समझा? अगर इतनी फिक्र है गौ माता की तो वहां से ला बेहतरीन, उसको हॉल में ला या बेडरूम में ला, एक से एक बेहतरीन डिशेस बना और माता को खिला, नहीं समझा? ये पूरे मुल्क में पैगाम दे रहा हूं मैं, इंसानियत खत्म हो गई है और इंसान इतना दरिंदा बन गया है, इतना दरिंदा बन गया है कि रोजे की हालत में तुम्हारी बेटियों की, हमारी बहनों की इज्जत की तेरों में इज्जत होती जा रही है। मैं कह रहा हूं मुल्क के कोने कोने में हिंदू भाइयों से भी कि अब इंसान को बेहतरीन इंसान बनाने की जरूरत है। और रोजा क्या करता है? यही काम करता है। देखिए आप रोजे में कितनी बेहतरीन ट्रेनिंग है। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, शहर सब्र, ए लोगों ये सब्र का महीना है, ये कंट्रोल का महीना है, ये माफ करने का महीना है। कितनी बेहतरीन ट्रेनिंग अल्लाह के नबी ने ट्रेनिंग किया रोजे की हालत में। अगर शायद जब शरीर को नकल किया, चलो कोई तुमसे बहस करता है, उलझता है, लड़ता है, तो धीरे से उससे कह दो मेरा रोजा है। क्या कह दो? लेकिन इसका मतलब ये नहीं इफ्तार के बाद में कस्टर्ड खा लूंगा, लस्सी पी लूंगा, समोसे कबाब खा लूंगा, फिर किसने कितना दम है मगरिब के बाद, ये मतलब है? रोजा बेहतरीन देने के सब्र का महीना है। और इंसान को इतनी बेहतरीन समझ सिखाता है रोजा, इतना बेहतरीन कंट्रोल सिखाता है कि रोजे में अगर आदमी ने कंट्रोल कर लिया और रमजान को सही बुला लिया तो हजरत शेख ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी ने लिखा जिसका रमजान अच्छा उसका पूरा साल अच्छा, समझा? और जिसका रमजान में बिखराव, रमजान में परेशान हाल, रमजान में घर में झगड़े, रमजान में बीवी से झगड़े, रमजान में बच्चों से बहस, रमजान में घर में तमाशा, साल भर उसके असर आते हैं। क्यों सब्र सिखाया गया? आज हम अपने घर के बच्चों पर रहम नहीं खाते हैं, आज हम अपनी बीवियों पर रहम नहीं खाते हैं। रोजे के ताल्लुक से इस हफ्ते में मौलाना ब्रह्मान सुदैव इमाम अरब ने मक्का में खुदा देते हुए क्लियर तौर पर यह कहा कि मुसलमानों में तुमसे ये कहता हूं कि याद रखो, अगर रोजा रखा और रोजे की हालत में घर वालों पर जुल्म करते हो, अल्लाह तुम्हारे दूसरों को, तुम्हारी इबादत को तुम्हारे ऊपर फेंक कर मार देगा। रोजा रख रहे ऐसा लगता है तो आप अल्लाह ने परेशान किया, मेरे बात में झगड़ा आया,
झगड़ा किस बात का, झगड़ा इस बात का है दबा के झगड़ा हुआ। सुबह पहले को मुलाकात किए, मसला हल करने के लिए जाना पड़ा। तो मैंने कहा मसला हुआ क्या, नहीं तो बताओ। तो मसला ये हुआ कि हजरत रात को 12:30 बजे घर पहुंचे। अल्लाह की बंदी है, 12:30 बजे हैं, नींद लग गई होगी, दरवाजा खुलने में 10 मिनट देर होगी, देखो क्या क्या होगी, बीवी ने दरवाजा खोलने में 10 मिनट देर कर दिया। अरे अल्लाह के नबी ने फरमाया दिया तुम वंदिशा औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि ये नाज़ुक मखलूक है और कल कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारी इनके बारे में पकड़ करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो नाजुक है और प्यारे आका ने फरमाया वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, जैसे पसली है ना, पसली पसली यहाँ की जो दिल के अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत को अल्लाह ने आदम को पैदा किया, आदम को पैदा किया और आदम की बाई पसली से, बाई क्यों, क्योंकि वो दिल के पास है, आदम की बाई पसली से औरत को निकाला, जो भी उसका सिस्टम है। तो नबी ने इसको बताकर इशारा कर दिया मर्दों को कि वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, समझ गया। अगर उसको सीधा करने जाएंगे तो भाई मिसाल के तौर पर ये मेरी पसली ऐसी टेढ़ी है, अब कोई आदमी कहने नहीं मुक्ति रहा ये ऐसी टेढ़ी अच्छी नहीं लगती, इसको सीधा करना है। अगर इसको सीधा करा तो कलेजी को देखा पाया जाएगा क्या, अरे बोलो भाई सिस्टम नहीं है। उसने टेढ़ा रखा, मैं मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ, उसे टेढ़ा रखा और टेढ़ा रखकर सारी मुश्किली को उसके अंदर महबूस कर दिया। अब सीधा करने जाएगा तो तेरे भी गुर्दे भाई क्यों, अभी जो प्रसल्ला का मसला चल रहा था तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान में, मुझे चुना गया था, मैंने यही समझाया ना कि औरतों के साथ नमकत का मामला करो, जब जुल्म करोगे ये शैतानों को, इन कुत्तों को इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने का मौका इसलिए मिला कि जब मर्द औरतों पर जुल्म कर रहे थे और कुछ औरतें जब काफिरों की अदालत में गई तो उनको शरीयत के खिलाफ बोलने का, अरे बोलो मौका मिल गया। अब रमजान में रहम करो, रमजान में भी इसलिए कह रहा हूँ, रमजान में भी नहीं आदमी झगड़ रहे, अच्छा रमजान में जाकर झगड़े हो रहे, मैंने पूछा अच्छा रमजान में ज्यादा झगड़े क्यों होते हैं, तो बोले इसी से होते हैं, तो मैंने कहा ज्यादा टाइम झगड़े का कौन सा होता है, तो बोले असर के बाद का, नहीं बन जाए कब का, हाँ क्योंकि शुगर डाउन हो जाती, गुस्सा समझा नहीं, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, घरों को जन्नत बाग बनाओ। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का कल मैं बयान सुन रहा था, बड़ी प्यारी बात कही कि घरों को जन्नत बनाओ, जन्नत बनाओ, घरों में प्यार और मोहब्बत का माहौल हो, खौफ ना हो। रमजान तुम्हें यह सिखाता है कि मोहब्बत का माहौल बनाओ, घरों को जन्नत बनाओ। अगर तुम्हारे घर आपसी लड़ाई और आपसी नफरतों और एक दूसरे के शक की बुनियाद पर अगर तुम्हारे घर में अगर ये चीज हो गई तो दुनिया भी तुम्हारी जहन्नम बन जाएगी और मरने के बाद भी जहन्नम बन जाएगी। तो कम अज कम घर को दूसरे मत बनाओ, मोहब्बत का प्यार का मामला करो। मौलाना बड़ी प्यारी बात कही, बहुत प्यारी बात कही, कह रहे खुदा के बंदो तुम्हें समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता, अरे तुम शहरी के वक्त में अखीर वक्त में उठते हो, मत कब उठता है अखीर वक्त में, और कुछ तो नवाब ऐसे हैं कि उसको बिस्तर पर ब्रश ला के देखी भी चाहिए, नहीं समझ जाए, समझ जाए। अब वो डेढ़ घंटा एक घंटा पहले से तुम्हारा शहरी का सामान तैयार कर देंगे और दोपहर के वक्त में जब तुम जो हो तुमको आराम की जरूरत है, तुम मस्जिद में पड़े हो, एसी में पड़े हो, बेडरूम में पड़े हो, वो बेचारे 3 बजे से तुम्हारे समोसे और कबाब का इंतजाम कर लिए और जरा सा नमक इधर उधर हो गया, नहीं आता 15 साल हो गए इधर से खाना बनाना, नहीं आया, बहुत प्यार का मामला करो, घरों को जन्नत बनाओ। एक साल मेरे पास आए, कह रहे साहब घर में बहुत टेंशन है, मेरा घर ऐसा लगता है जैसे जहन्नम हो गया, समझ गया। तो मैंने कहा आपकी बीवी ने गलती होगी आपसे इसलिए जहन्नम बना, नहीं नहीं घर को बहुत खतरनाक है, अगर मैं गया पूरा घर खामोश, मैंने कहा बिल्कुल जब जाता होगा तो ऐसा लगता हूँ घर में नाक घुस गया। नबी ने माहौल बनाया था प्यार का, कितना प्यार का माहौल, इतना प्यार का माहौल नबी ने बनाया था कि घर में आए इंट्री मारे चारे आका ने देखा कि आयशा पानी पी रही है, चाले को मुंह लगाकर अल्लाह के नबी ने चिल्लाए रोते रुक जाओ
थोड़ा सा छोड़ दिया आयशा, आयशा ने छोड़ दिया, हुजूर ने हाथ में प्याला लिया और फिर प्याला नहीं लिया बल्कि प्याला लेकर पूछा, आयशा तुम्हारे होंठ कहाँ थे? कुछ शर्माने की बात नहीं, हमारे नबी ने जिंदगी गुजार कर दिलाया है। क्या किया हमारे नबी ने जिंदगी गुजार कर दिखाया, कितना प्यारा माहौल बनाया होगा, कैसा प्यारा माहौल बनाने की फिक्र हमारे नबी ने की और उम्मत को करके दिखाया। जा रहे हैं मतलब सफर में जा रहे हैं, चलते चलते सहाबा से कहा, तो सहाबा के साथ में गए, सहाबा से कहा चलो थोड़ा दूर हो जाओ, जब दूर हो जाओ सहाबा दूर हो गए, आयशा से कहा आयशा आज रनिंग कॉम्पिटिशन होगा, क्या होगा? दौड़ का मुकाबला होगा। क्यों, किसमें दौड़ का मुकाबला हो रहा है? हुजूर है ना, या तो हम शर्माते हैं, तुम किसाबे कैसे दौड़े? दिखाया नबी ने, दिखाया नबी ने कि जन्नत तुम्हारी दुनिया की, तुम्हारी अल्लाह जन्नत बना सकता है, तो नबी की अदाओं पर अमल करके तुम देखो। दौड़ का मुकाबला हुआ, हजरत आयशा कहती है मैं जीत गई, मुकाबला मैं जीत गई। फिर कुछ महीनों के बाद में फिर ऐसे ही मामला था, साथ में जा रहे थे, फिर हुजूर ने कहा आयशा रनिंग, पर आयशा कहती है उस वक्त जो है मैं थोड़ी सी सेहत में मोटी ताजी हो गई थी, उस वक्त जो है नबी जीत गए। वाक्य क्या बताते हैं, कोई किससे कहानी नहीं है, ये सिखा दे कि धर्म को जन्म बनाओ। क्यों, आज औरतों को भी शिकायत है कि जब जहन्नम बन गया, मर्दों को भी शिकायत है कि जब जहन्नम बन गया। अल्लाह वालों ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई है। तो रमजान में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि रमजान अल्लाह का रिश्ता फरमा शाहो सब्र, सब्र का महीना है, सब्र का कंट्रोल का महीना है, माफ करना सीखो। अगर तुम्हारी दुकानों में, तुम्हारी फैक्ट्री में अगर खुदा के कुछ बंदे मुलाजिम हैं, नौकर है, तो उनको भी जैसे तुमको आराम की जरूरत है, उनको भी आराम की जरूरत है, उन पर भी रहम का मामला करो, प्यार का मामला करो। क्या फरमाया ये महीना मोहब्बत का, गमखारी का, प्यार का, उखुवत का, हमदर्दी का महीना है। देखो आप, अभी हम लोग, अगर मैं कहूं कि हम लोग को शानदार अंदाज में अपने बीवी बच्चों के साथ शहरी वाली पाई कर रहे हैं, शानदार अंदाज में कर रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, जाओ जरा हालात को मालूम करो, आज भी हमारे ईमान वाले भाइयों का ये हाल है कि उनके पास शहरी और इफ्तारी के लिए सूखा आटा खाने को नहीं है, खजूरों की पुटियां पीस रहे हैं, खजूरों की पुटियां पीस रहे हैं और खजूरों की पुटियों से शहरी कर रहे हैं और इफ्तार कर रहे हैं। देखो आप फलस्तीन के हालात, लिबनान के हालात, सूडान के हालात, इराक के हालात, ट्यूनिस के हालात, सीरिया के हालात, शाम के हालात, आप देखो कसम खुदा के रोंग पे खड़े हो जाएंगे, रोंग पे खड़े हो जाएंगे, एहसास पैदा करो। देखो आप कि हमारे आसपास कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके घर में शहरी या इफ्तारी का इंतजाम ना हो, तलाश करो। ईद का मौका आएगा, ईद का मौका आएगा, ये महीना ईद का मौका आएगा, गरीबों से प्यार करो। आज मैं क्लिप देख रहा था, आंसू आ गए, क्लिप देख रहा था, आंसू आ गए कि गरीब सूखे टुकड़े खा रहा है, उसके पास सूखे टुकड़े, सूखे टुकड़े खा रहा है और हमारे पास में इफ्तारी को इतना है कि किसी कोई हल नहीं, हम खाने को, हमारा रोजा हम तोड़ रहा है, इतना खा रहे हैं और फिर शहरी में इतना खा रहे हैं। मैं फजर की नमाज पढ़ाता था, फिर साहब मेरे पास में आए और कहने लगे मुफ्ती साहब एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या रिक्वेस्ट है ताकि मुफ्ती साहब नमाज आप थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाते, बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है, लेकिन थोड़ा रमजान के लिए रिक्वेस्ट है। मैंने कहा क्या रिक्वेस्ट है, थोड़ा फजर में आप लंबा सज्दा मत किया करो। मैंने कहा क्यों, ताकि अंदर से बाहर आने वाले इतना खा रहे कि इमाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इमाम साहब फजर का थोड़ा लंबा सजदा मत करो, क्या हाल है? अरे यारो फिर और अहम बात सुन लो, रोजे के ताल्लुक से इतना ही कहूंगा कि देखो बहाने बहाने से रोजा ना छोड़ो, अगर जिंदगी में दूसरा रमजान मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई खबर नहीं। हम लोग एसी फर्स्ट क्लास में ट्रेन में आ रहा था, देखा मैं एसी फर्स्ट क्लास, कोई स्टेशन आया, जवान उतरा सामने से, कोई फैमिली थी, जवान उतरा, बेहतरीन मजा, दूसरे ही समोसे कबाब वगैरह लेकर आया और खाने लगे। खाने के बाद मैंने धीरे से उनसे कहा, यार आप लोग तो चेहरे से मुसलमान नजर आ रहे हैं, आपने रोजा नहीं रखा? कहा नहीं,
रोजा नहीं रखता, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो मैंने कहा आपने रोजा नहीं रखा, तो वो मुझे कहने लगे आप तो चेहरे से मौलाना निकले, अल्लाह का शुक्र मुक्ति भी हूँ। तो कहा कि अफसोस है, आप अपने आप को मुक्ति भी कह रहे हैं और आपको ये मसला मालूम नहीं कि रमजान के रोज सफर में रोजे छोड़ सकते हैं। ये तो मसला मालूम है, लेकिन ये भी मालूम कि एसी बंद कर आदमी भी छोड़ सकते। अरे आज मस्जिदों में एसी लग गए, बेडरूम में एसी लग गए, ऑफिस में एसी लग गए, गाड़ी में एसी लग गए, क्या मुश्किल है, कंट्रोल करो। अल्लाह ने मौका दिया है, दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं मालूम, कदर करो इसकी, कदर करो। और ये भी कहूंगा कि ताकतों का इस्तेमाल करना, इत्तेकाफ का कोशिश करना कि इत्तेकाफ अल्लाह मौका दे, क्योंकि नबी ने अपनी जिंदगी में कभी भी इत्तेकाफ नहीं छोड़ा। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, मैंने कल कहा एक जगह हम लोग क्या करते हैं, मैं गया एक मस्जिद में, शानदार मस्जिद थी, मैंने अच्छा इत्तेकाफ कितने लोग कर रहे हैं, तो वो जो बूढ़े हैं वो ही बैठे हुए हैं इत्तेकाफ में। तो मैं उनके पास बूढ़े के पास गया, मैंने कहा अल्लाह आपको जजाए खैर दे, बेहतरीन बंदा दे, आपने पूरे मोहल्ले को बचा लिया, क्योंकि इत्तेकाफ के मामले में ऐसा है कि अगर एक भी शख्स मस्जिद में इत्तेकाफ न करे तो फिर खुदा का अजाब पूरे मोहल्ले पर आता है। तो अल्लाह का एहसान, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे कि आपने अकेले ने इत्तेकाफ करके पूरे मोहल्ले को बचा लिया। तो बुड्ढे गुस्सा हो गए, बैठा नहीं जबरदस्ती बैठाने बोले। और मुतवल्ली ने कहा कि मगरिब के बाद बिल्ली में ला के लूंगा, कलर करो इत्तेकाफ की, अल्लाह ने दिया है। और दूसरी अहम बात कहकर बात को खत्म करूंगा कि देखो रमजान में हम रोजा रख रहे हैं, रोजा क्या है, जानी की इबादत है, क्या है, जानी की इबादत है ना। लेकिन इस्लाम का मामला यह है, बहुत अहम बात है, और इस्लाम का मामला यह है कि इस्लाम मुकम्मल उस वक्त होता है, जान मांगो तो जान दे दो, माल मांगो तो मांगो। और सहाबा ने करके दिखाया, जब नबी ने माल मांगा तो तारीफ देती है कि अबू बकर सारा लेकर आए, झाड़ू भी लेकर आए, नबी के सामने झाड़ू भी रख दिया। हुजूर पूछते हैं अबू बकर घर में क्या छोड़ाया, सब लेकर आया। तो अबू बकर कहते हैं हुजूर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम घर में छोड़ाया। क्यों घर में छोड़ाया, साहबा ने माल मांगा, माल पेश किया। जब अल्लाह के नबी ने कहा कि जानों की जरूरत है जान की, तो तारीफ कहती है कि औरतों ने सहाबियात ने अपने दूध पीते बच्चों को लाकर हुजूर की खिदमत में दिया। और हुजूर कहने लगे माई ये दूध पीता बच्चा है, या न तीर चला सकता है न तलवार चला सकता है, क्या करेगा। हुजूर से कह रही है वो औरत कि मैं जानती हूँ मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जा रसूलल्लाह, मैं जानती हूँ ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कल जब जंग का मैदान होगा दुश्मन की तीरें आपकी तरफ आएगी, मेरे बच्चे को हाथ में ले लेना, मेरा मासूम बच्चा नबी के लिए ढाल का काम तो कर सकता है। तब जाके इस्लाम फैला, ये हिंदुस्तान है। अगर सहाबा कुर्बानियां न देते तो आज के हिंदुस्तान में 25 करोड़ की तादाद में इस्लाम की शमे रोशन, 25 करोड़ है कम नहीं है, ये अल्पार के 2.5% सद्दी वाले हुकूमत कर रहे हैं, 25 करोड़ है कम नहीं है। और अफसोस है, अफसोस कि मैंने सीएम का फोटो देखा, यूपी के सीएम का फोटो देखा, कितने साफ पी रहा है जानवर का, मैंने कहा खलीज नापाक बदबूदार आदमी, आज दूध के कितने बुरे दिन आ गए कि जो बदबूदार आदमी है पेशाब पी रहा है, आज दूध के इतने बुरे दिन आ गए, ऐसा शख्स हमारा सीएम बन रहा है। क्यों? और याद रखो रमजान को अगर हमने सही अंदाज में नहीं गुजारा, दुआएं न की तो इससे भी बुरे दिन आ सकते हैं। इससे जुमला जरा भूल गया था कि मांगने का मौका है, अल्लाह से दुआ मांगो, दुआ में सारे मसलों का हल है। बल्कि मैंने हद से कल कहा सारे मसलों का हल है। अगर तुम्हारी बेटियों की इज्जतें झुकी जा रही है, जानवरों के नाम पर तुम्हारे लोगों को मारा जा रहा है, अगर तुम्हारी लड़ने की ताकत नहीं है, तो नबी ने कहा कि दुआ मोमिन का हथियार है, हथियार कहा, हथियार को इस्तेमाल करो, अगर हाथ उठाओगे अल्लाह मसलों को हल करेगा। तो मैंने कल कहा हंसते हंसते कि हाथ उठाओ और मांगो, कहता जालिम हमारा पीएम बना हुआ है, इसको ऊपर ही खत्म करना चाहिए, ऊपर ज्यादा रहता ना, नहीं कर जाता ज्यादा ऊपर ही रहता ना।
तो दुआ करो उसको ऊपर ही खत्म फरमा ले ताकि नीचे किसी का नाम ही ना है। समझ गया? नीचे किसी का मांगो, अल्लाह से दुआएं मांगो, सारे मसलों का हल है। और कुर्बानी जैसे जान की दे रहा हो तो रमजान में मुसलमान और कुर्बानी देता है, और वह कुर्बानी है मान। इस्लाम का उसूल है कि जान और माल दोनों की मोहब्बत दिल से निकालना चाहता है, और कहता है कि तभी ईमान मुकम्मल होगा। लेकिन इंसानों में आज देखो कि इंसानों में दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ होते हैं चमड़ी जाए और दमड़ी न जाए, और कुछ क्या होता है दमड़ी जाए पर चमड़ी न जाए। हमारा एक मर्डर हुआ सोने के पानी का, दिन दहाड़े दिन के उजाले में मर्डर हुआ रेलवे स्टेशन पर, हाथ में सूटकेस माल लेकर आ रहा था, तीन चार लोगों ने अटैक किया, हमला किया, 10-15 मिनट तक के ठीकेदारी चलती रही, आखिर वो मर गया। मगर फोटो पेपर में आया सूटकेस हाथ में नहीं छोड़ा, तो किसी ने उस पर कहावत कह दिया कि इसे ही कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी। और इस्लाम कहता है चमड़ी भी मांगूंगा और वक्त पड़ा तो सकार देने में। अब अपनी बात ये अहम सुन लो, सकार देने में आना जानी मत करना। लोग रोना रो रहे हैं मार्केट का, अरे उसके साथ बड़ा मंदी चल रही है, बेवकूफ ने नोटे बतलाए जैसे पूरी मार्केट ठप हो गई, सो हो गई। नहीं, चलेंगे जिस माल की सकार आपने निकाल लिया हो पूरी मार्केट सो गई, लेकिन आपकी दुकान कभी नहीं सुस्त। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है। सकार निकालने में हम लोग आना जानी करते हैं, एक साथ में फोन लगाया मुफ्ती साहब मेरे पास ये है ये है ये है ये है ये है, कितनी सकात निकालना। मैंने कहा ठीक है 10 मिनट के बाद में वापस फोन लगा, मैं हिसाब करके बताता हूँ। अगर 10 मिनट के बाद में फोन आया तो मैंने कहा आपकी सकात रिकवरी है 7 लाख रुपये। तो जैसे मैंने 7 लाख बोला तो 10 मिनट का बोला अरे बाप रे 7 लाख, मैंने तो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने कहा एक काम कर, तेरा नाम पता, अम्मी का नाम पता, मस्जिद में दरखास्त कर दूंगा, ऐसा उसको दरखास्त बहुत ज्यादा निकालनी पड़ रही है, उसका माल थोड़ा सा कम कर दे। अब जैसी मनोरा जैसी इमला का आने नहीं, माल कम करने की हम लोग दरखास्त करते। अरे आपका दिमाग खराब हो जाए, माल नहीं कम होना, जकात ज्यादा निकल रही है, खुदा के बंदो जकात ज्यादा कम निकलेगी। हेलो, माल ज्यादा होगा और माल कम नहीं होगा, तमन्ना तो ये है नीचे से भी हमने भी है। क्यों माल ज़कात का सिस्टम अल्लाह ने रखकर बहुत प्यारा सिस्टम बनाया। अगर मुसलमान ने ज़कात के सिस्टम को समझा होता तो आज जो जवान औरतें बुरकों में बाजारों में मार्केट में भीख मांग के नजर आ रही है, मुसलमानों आज तुम्हारी औरतें और तुम्हारी कौम की बेटियां आज इस तरह भीख मांगती हुई नजर आ रही है। मजबूर है कि हम उन तक के सही ज़कात नहीं पहुंचा रहे। हुक्म यह है ज़कात का कि ज़कात पहुंचाना पड़ेगा। अभी तो लोग आ रहे हैं तो देने को तैयार, पहुंचाना पड़ेगा। आज आप देखो जिन कौमों के पास ज़कात का सिस्टम नहीं है, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया तो उस कौम के भिखारी नहीं मिलते। सिखों का भिखारी कभी आपने देखे? बताओ किसी पंजाबी को आपने भीख मांगते देखे? नहीं है ना। वो हमने हैं कुछ लोग, थोड़ा सा हमने हैं कड़क टोपी वाले, आलू कड़क टोपी, उनको कभी आपने भीख मांगते देखे? जैन लोगों को कभी आपने भीख मांगते देखे? समझा? मारवाड़ी को सिस्टम बनाया है। गौर करते हैं कि मेरे रिश्तेदार में, मेरे खानदान में, मेरे आस पास में, मेरे पड़ोस में, मेरे गांव में कौन ऐसा है कि जो मोहताज है, उसको सिस्टम के तहत उसको पैरों पर खड़ा करने के लायक बनाया जाता है। तो ज़कात के सिस्टम को, और अब अहम बात सुन लो, ये जो मदरसे हैं ना, ये जो मदरसे वाले आ रहे हैं रमजान में, हमको क्या शिकायत मालूम? और मुफ्ती साहब असल में देखो 10-15 नाम बना लो, मस्जिद में देखो 10-15 नाम बना लो, हर टाइम में मदरसे वाले उलमा बैठे हुए हैं, बड़ा बेजार हो गए हैं। अरे यारो, ये रमजान में इसलिए आ रहे हैं कि तुम बेचे कब है? रमजान के बाद, तो रमजान के बाद में आएंगे, लेकिन नहीं, इसमें भी बिजनेस रमजान में 1 का 70 मिलता, इसलिए ज़कात भी कब देंगे? अरे बोलो, रमजान में। हालांकि ज़कात का मतलब ये नहीं है, ज़कात का मतलब ये है अगर शाबान में आपके पास नमाज आएगा, शाबान गुजर गया, उस पर आप पर ज़कात फर्ज हो गई,
सदी के रमजान में देना है, रोजे का महीना आएगा कभी नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको जकात दे रही है। और खतरनाक अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि ऐ मोहम्मद कह दो जो लोग जकात अदा नहीं करते, ऐ मोहम्मद कह दो उनके माल को जहन्नम की आग में डालकर मैं अंगारा बनाऊंगा और उस अंगारे से उनकी पेशानी, उनके जुनूब, उनके भंसू और सुहूरों और उनकी पीठों को दागूंगा और ऐलान करूंगा कि ये लोग तुम्हारा ये माल जिससे तुम दुनिया में बड़ी मोहब्बत करते हो जकात दो। ये आज बहुत अहम बात सुन लो, पॉइंट की बात बता रहा हूँ। ये जो मदरसे वाले आए ना, अल्लाह का शुक्र है, अगर ये मदरसे ना होते ना यारो तो कोई मुफ्ती हारून ना होता, ये मदरसे ना होते तो कोई तराजू पढ़ाने वाला ना होता, ये मदरसे ना होते तो हमारे कानों में अजान देने वाला ना होता, अगर ये मदारिस ना होते तो दुनिया से जाते वक्त हमारी जनाजे की आखिरी नमाज पढ़ाने वाला कोई ना होता। तो ये शैतान हुकूमत ने क्या बता जी किया, ये शैतान हुकूमत ने देखा कि हमेशा इंतजार मदरसों से आता है, उलमा से आता है। अभी देखो चार महीने पहले जब शरीयत में दखल अंदाजी की बात हुई तो आवाज किसने उठाया, इंजीनियर साहब ने, बोलो ना, बिल्डर साहब ने, बिजनेसमैन ने, नहीं बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन मस्त है, बिल्डर अपनी बिल्डिंग में मस्त है, कारोबारी अपने कारोबार में मस्त है, जब भी इस्लाम पर आ जाती है खुदा का शुक्र मेरा मौलाना कर हमारे बैठे 3,000 वाले ही आवाज उठाते हैं और अल्लाह का शुक्र इतनी खतरनाक आवाज उठाई कि हुकूमत को पीछे आना पड़ा। आप देखो यूट्यूब पर एकदम जोरदार अंदाज में हम लोगों ने आवाज उठाया, मैंने तो डायरेक्ट डायरेक्ट कहा कि तू एक बीवी को पा नहीं सकता, एक को छोड़कर भाग गया, तुझे क्या मालूम तलाक किसे देते हैं, तू तो फिर तलाक से भागा, नहीं दुनिया तू कैसे भागा, बिन तलाक के भागा, और तू कह रहा कि नहीं मुझे मुसलमान और मुझ पर बड़ा रहम आता है, तलाक के जरिए से बड़ा उन पर जुल्म हो रहा है। तो मैंने उसे कहा गुजरात तो उसी इलाके ने कहा कि हमारी औरतों की फिक्र मत कर, तेरी एक की फिक्र कर ले और घर को जा वापस, आया घर को वापस जा। तो सखाब के जरिए से ये जो मदरसे वाले आ रहे हैं यारो, ये तो बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं, बड़े बड़े मुफ्ती आ रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। कल मैंने देखा एक बुजुर्ग आलिम भी बड़े आलिम और घूम रहे थे धूप के आलम में, नारायण से तशरीफ आए थे, मैंने कहा हजरत आप इस उम्र में मत घूमो ना, तो उन्होंने कहा बेटा हारून उम्मत और कौम इतनी नहीं बेदार हुई, इतनी नहीं जाती कि वो हमें घर पर लाकर बता पहुँचाए, सही बोल। तो हुकूमत ने क्या बदमाशी किया कि हमेशा इंकलाब मदरसों से आता है, तो मदरसों को नुकसान पहुंचाने के लिए हुकूमत ने एक चाल चली, डायरेक्ट हाथ खिलाफ करते थे, तो हुकूमत ने क्या किया, कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी पर बड़े जानवरों के बैन लगा दिया, क्योंकि मदरसों को 70% फंड कहां से आता था, कुर्बानी के मौके पर 70%, हो सकता है लोगों को मालूम नहीं होगा 70% फंड कुर्बानी के खर्च हो जाता था, 1,000-1,200-1,500 का चमड़ा जुटता था। अच्छा बीफ पर बैन नहीं लगाया, सिर्फ बोला अभी हमारे हम लोग खा रहे हैं घूम से खा रहे हैं, आप क्या आपको नहीं जलाए, कोई बैन नहीं है। अरे भैया बैन लगाया तो अभी भी तुम दुकानें बंद करवाओ ना, नहीं दुकानें बंद नहीं करा सकते क्योंकि उनका भी धंधा उसी पे चल रहा है, समझ आए। हाँ कुर्बानी के 3 दिन में बैन किए क्योंकि आज जो चमड़ा है वो कतई बेचता है लेकिन कुर्बानी का चमड़ा कहाँ जाता, तो ये साजिश है, क्या है साजिश है। तो मैं तो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाकर मुसलमानों से कह रहा हूँ कि हम तय कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इन दीन के ईमान के किलों को बंद होने हैं, अरे बोलो नहीं। और अखीर बात तो मैं आज जो रमजान में मेरा सफर हुआ कसम खुदा की बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन वही मजबूरी है कि अगर हम आएंगे नहीं तो उम्मत में इतना एहसास नहीं है कि वो हमारे अकाउंट में या हमारी जगह पर डालेंगे। तो आप मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से जानते हैं, खुदा का शुक्र है, खुदा बहुत काम अल्लाह के घर में उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ कि बहुत काम ले रहा है, और कुछ काम ऐसे हैं जो बयान भी किए नहीं जा सकते, बयान करना बेवकूफ़ी है, अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने जमीयत का भी जिम्मेदार बनाया, मेरे नाम से एक बेहतरीन बहुत अच्छे अंदाज में अल्लाह का शुक्र है, खुद मेरे नाम से मेडिकल लाइन से एम्बुलेंस और बड़ी फाउंडेशन चलती है, और एक ऐसे मदरसे का भी जिम्मेदार हूँ
कि जो आज का नहीं है 450 साल पुराना है। तो क्या है? अब आप बोलेंगे आप कब से वहां? मैं 10 साल से। और वो 450 साल पुराना कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने अगर आज महल छोड़ा, दाल चला छोड़ा, तो हमारे बुजुर्गों ने मस्जिद और मदरसे भी छोड़ कर दे। तो ये किला गवर्नमेंट के ताबे में चला गया था, बड़ी खंडरात बहुत बड़ी जमीन थी। तो ये छोड़कर मुसलमानों ने छोड़ दिया था, क्योंकि जैसे पाकिस्तानों के खंडरात पड़े रहे वैसे ये भी पड़ा रहा है। लेकिन एक बुजुर्ग का नाम सुने आपने? हजरत मौलाना सिद्दीक साहब बांदरी। सुने ना? बहुत बड़े बुजुर्ग थे। फिर कभी आऊंगा तो उनके बारे में बताऊंगा। बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तो ये वहां से गुजर रहे थे जहाँ पर ये खंडरात है, ये गुजर रहे थे क्योंकि हाईवे पर है गाड़ी रुपए। और लोगों से कहा जो उलमा साहब ने, मुझे यहाँ पर दो रकात नमाज पढ़ी है, ये बादशाहों के खंडरात नहीं है, ये मुझे यहाँ से इल्म की खुशबू आ रही है, ये कोई उस जमाने में इल्म का बहुत बड़ा मतलब रहा होगा। बाद में उलमा से कहा कि इसकी तहकीक करो, तहकीक हुई तो पता चला कि ये 400 साल पुराना बहुत बड़ा इल्म का मतलब था। जहाँ कौन थे मालूम? ये भी नाम सुन लो, जहाँ हजरत शेख अली मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अली मुत्तकी जानते हो? नहीं जानते हैं? नहीं जानते लोग? हाँ, जवान को पूछो इंडिया क्रिकेट टीम में कितने लोग हैं? इतने। मैन ऑफ द मैच किसको मिला? इसको। हारे किसकी वजह से? इसकी वजह। तीन टू खोला पाकिस्तान। अरे शेख अली मुत्तकी ये वो आलिम थे, बुजुर्ग थे, कि इन्होंने एक किताब लिखी है मोटी कम सुल्फ माल, जिसको हदीस का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और ये इतनी बड़ी किताब है कि मक्का और मदीना में जो मुफ्ती और आलिम बनते हैं उसको पढ़ाया जाता है। और वो कहाँ के थे? मेरे गाँव प्रधान जहाँ से मदरसे की मैं बात कर रहा हूँ। तो बात में फिर मेरे भाई मौलाना बशीर जिंदा थे, तो उन्होंने और कुरमा ने 19 साल तक हुकूमत से केस करा और उसको जीता। तो अंदर मालूम 100 रूम निकले खंडरात, और कोई ज्यादा नहीं था अंदर, 100 रूम निकले। और 23 साल पहले, अब जगह कितनी बड़ी मिशन डाल रहा हूँ, 23 साल पहले उन खंडरात की सफाई को 2 करोड़ लगे। और जगह इतनी बड़ी मिली कि आज मुसलमान खरीद नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है, मेरे भाई का जब इंतकाल हुआ तो वहीं पर मेरी तारीफ वहीं पर हुई। मेरे उस्ताद ने कहा कि हारून तेरे भाई से अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया था, हुकूमत के हलक में से तेरे भाई ने यह जगह निकाला, तो अब तू इतना तो काम कर दिया करते, रमजान में जो भी तेरी जान पहचान है हमारा ताउन कर लेगा। उसके लिए आए हैं, उसी लिए आते हैं, वरना रमजान में घूमना कोई हंसी खेल नहीं है। और खुददार तो इतने हैं कि खुद को अगर किसी को कर्ज दिया तो वो मांगने को तैयार नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए भीख मांगने को भी तैयार है। और क्यों मांग रहे मालूम? कमीशन मिलता है। बात समझदार, अगर आपको भी चाहिए तो हमारे साथ समझ जाए कमीशन मिलता। और मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, इतना कमीशन अल्लाह ने मुझे इस काम की वजह से दिलवाया कि आज इस उम्र में अल्लाह ने हिंदुस्तान के कोने कोने और चप्पे में दीन के काम के लिए चुना। और दीन का काम से मिठाई बिठाने मेरे भाई बोलते थे तो उसको इतना जा जिसकी जरूरत है, समझ गया उसकी जरूरत। तो मैं स्पेशली मेरे लिए आप सभी करूँगा उधर से दुआ करना, क्योंकि लाइव आते काम करते करते अल्लाह ने बहुत आगे निकाल दिया। और जब आदमी आगे निकल जाता है तो कभी अपनों की मोहब्बत का भी शिकार हो जाता है और घरों की नफरत का भी शिकार हो जाता है। तो मेरे लिए रमजान में दुआ करना। बहुत अजीब अजीब धमकियाँ दी जाती है, धमकियाँ ऐसी होती है कि थोड़ा सा भी जिगर अगर आदमी का कमजोर हो तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। लेकिन मैंने भी तय कर लिया है कि काम छोड़ूंगा नहीं। अच्छा एक और खास बात, मैं भी पक्का कर पाऊंगा जरूर, मेरी बीवी ने बोली, मेरी बीवी ने कहा हमारे यहाँ फसाद हुआ था एक गरीब मोहल्ले में, और ऐसा गरीब मोहल्ला के अगर आदमी रोज मार्केट में कमाने में जाए तो बच्चों को कुछ खिला नहीं सकता, 3 दिन तक कर क्यों? अब बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं और जवान जो कमाने वाले हैं वो पुलिस के डर से फरार हो गए। तो उस वक्त मैंने अल्लाह का शुक्र जो मेरी एम्बुलेंस है उसमें मरीजों के बहाने मैंने खाना पागले बिस्किट क्या क्या इलाज वगैरह आए आगे आए की मैंने वो मोहन अशरफ भी दे सकते हैं।
तो ये लोगों ने देखा है, तो मैंने उसने भोग खाने वाले पहुंचाया, मैंने पहुंचाया। अब मैं क्या क्लियर कर दूं, तो जाहिर बात है कि जो दूसरी पार्टी वाले हैं उन्होंने देखा कि ये तो गरीबों का हीरो बन गया, तो उन्होंने कंप्लेन लिखवा दी कि इसने ऐसा ऐसा काम किया और कर्फ्यू में घुसा और एम्बुलेंस में जो जवान छुपे हुए थे उनको ये लगाया वो लगाया। अब मुझसे पूछा जब जज ने कि तुमने ऐसा किया है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल किया है, मैंने गरीब जो दूध पीते बच्चे हैं तड़प रहे थे और मरने के करीब तो मैंने उनको पार ले दूध बिस्किट जो पहुंचाना था पहुंचाया, खाना पहुंचाया। मैं इस मजहब का मानने वाला हूँ, इसमें बहुत बड़ा पुण्य है, नेकी है, जज साहब मेरी निगाह में नेकी है, आगे भी मौका मिला तो ये काम मैं करता रहूंगा। अगर आपकी निगाह में अगर गरीब बच्चों को दूध देना अगर गुनाह होगा तो आपको जो सजा सुनानी है सुना, अल्लाह का शुक्र है जज का कलम ठंडा पड़ गया, लेकिन पीछे तो लगे थे क्योंकि काम करने वालों के पीछे बड़ा मसला है। ये जो मैंने किया था बाद में जो भूला था, ये तो मैंने किया उस वक्त जो भी किया तो मुझे हिम्मत कहाँ से मिली, खैर बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। हालांकि मुझे जब धमकी दी गई तो कहा जाते थे वो क्या हूँ उठाकर सलाह दिया जाएगा तेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि इतफाक ऐसा है कि ना मेरी अम्मी है ना अब्बा है और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं, बड़ा बच्चा तेरा साल है, तो ऐसी धमकियाँ दी जाती है। लेकिन जब मैंने ये काम किया और गरीबों ने दुआएं की और मेरी बीवी ने खुद अपनी आंखों से देखा तो मेरी बीवी ने एक जुमला कहा था रोते रोते, तो मुफ्ती साहब पहले मुझे भी फिक्र होती थी और मैं रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन आज गरीबों की दुआ देखकर मेरा दिल भी बड़ा हो गया, मेरी तरफ से आपको कभी रुकावट नहीं आएगी, आप काम करते रहना, हमारा जो भी होगा अल्लाह मानेगी। उस दिन से आज तक के काम रुका नहीं है, तो पता चला चाबी कहाँ है, अरे हरे क्यों नहीं है ठीक है, तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, मुश्ताक भाई अमीन भाई है आप भाई है नहीं भाई है, ये लोग बाहर खड़े रहेंगे, ज़कात जितना देना अहम है उससे कई गुना उसको सही जगह बचाना है, और देने वाले का काम नहीं है, देना तो है बेटा, नहीं किया तो अल्लाह निकालना जानता है, अल्लाह देना जानता है तो अल्लाह निकालना भी छीनना भी जानता है। उन लोगों का एहसान जो आपके पास पहुंच कर आपकी ज़कात को सही जगह लेकर जा रहे, और हम किसी के यहाँ जाते नहीं, किसी सैदिये के पास जाते नहीं, क्योंकि किसी सैदिये से न मस्जिद चलती न मदरसा चलता है, चलाने वाली रात अल्लाह की है। जबकि मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया है मुफ्ती साहब ये ऐसा 100-100 रुपये 200-500 ऐलान करते अच्छा नहीं लगता, अब 10 शहर में 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास जाकर हम बात कर लेंगे और मतलब शेर को जरूरत पड़ी, मेरे शहर में जब हमारे भूख आते हैं तो हम कितने ऐलान करते हैं भूख आ गए हैं, जिसको सही जगह देना है घर को आ जाओ, हमको जरूरत नहीं, और अल्लाह के काम रुकते नहीं, दीन के काम रुकते नहीं। तो नहीं भाई नौला और अमीन भाई जाओ भाई है, तो ये लोग खड़े रहे, आप हर साल क्या मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहा अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो मैं आया करूंगा, और आप पावतियां भी बनाएं, इसलिए पावतियां बनाएं, पावतियां क्यों बनाएं मालूम, इसलिए कि मैं मर जाऊंगा लेकिन काम नहीं करूंगा, मेरे मरने के बाद आपका नाम देखकर वहां से फिर कोई ना कोई आएगा और ये ऐलान करेगा रमजान में आपके यहाँ मुफ्ती हारून आते थे, मैं समझा उनके ही धंधा है, तो मेरा मिशन बंद, मेरा कमीशन बंद, समझ गया नहीं होगा, तो पावतियां ज्यादा से ज्यादा पड़े क्योंकि सही जगह पहुंचाना है ना। और एक बात सुन लो, कल के रोज फिर जो है टीपो वाली मस्जिद जो है वहां था, और वहां एक अलग मेहमान पर बात हुई, बहुत जरूरी मेहमान पर वहां पहुंचे, और फिर कल रात में पहली मतलब मैं गोविंद के लाया हूँ, मतलब 5-7 साल में कभी मैं 2-4 घंटे आता था लेकिन पहली मतलब आया हूँ, और कल के रोज रात में पढ़ाई के बाद ताम बातें कैसी गुजारे और लैलतुल जायजा क्या है, शबे सदर क्या है, इसका कल बयान होगा मोटरसाइकिल वाले जो मस्जिद है, तो कल ईशा के बाद वहां आएगा, और आहिंदा कल बहुत अहम मुसलमान पर बात करूंगा मुल्क के हालात और जवानों को हम कैसे सवारे सजाए और कंट्रोल करें, और बहुत सारी बातें इंशाल्लाह कल दोपहर में आएगी, हालांकि आवाज में तकलीफ 3-15-20 मिनट बोलने का इजाजत था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 1 घंटा हो गया, तो मेरे दुआ करो क्योंकि मुझे अभी भी बोलना है, कल फिर बोलना है, परसों सूरत में बोलना है, फिर एक ही दिन के लिए घर जाऊंगा वो भी खाई के वास्ते क्योंकि कपड़े खत्म हो गए।
फिर कपड़े लूंगा, फिर बम्बई आऊंगा, फिर पढ़ाई पकड़ कर निकलूंगा। तेलंगाना, हैदराबाद, निजामाबाद, सिकंदराबाद। तो मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताकत भी दे और अल्लाह हर तरह से हिफाजत भी करे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ होगी और दुआ के बाद आप लोग तावज़ करते जाए। और मैं अपील भी करूँगा कि जो हजार रुपये के ऊपर रस्सी फा रहे हैं वो रस्सी फाड़े, क्योंकि खूब जो है थोड़े कम होते हैं। अगर सौ 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 की रस्सी फा लें तो मुझे आज अर्जेंट कल बुक खत्म हो गए तो आज अर्जेंट सुबह जलगांव से मंगाना पड़ा। तो एक बड़ी रस्सी फाड़ते बहुत अच्छी बात है, उसका बुक फाड़े। और जो सौ सौ जो भी रुपये है वो आप इकट्ठा आजना के नाम से आप फाड़ते हैं। नाम बड़ा प्यारा है, सुनकर बड़ा दिल खुश हो गया। प्यारे आपका जनाने मोहम्मद मुस्तफा जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा, बड़ा प्यारा नाम। और मैं जो मस्जिद का ओपनिंग करने के लिए आया था वो भी नाम बड़ा प्यारा है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में कई नाम किसी मस्जिद का नहीं सुना। हाँ, मस्जिद हम सबकी, हम सबकी। हाँ, मैं अपनी करूँगा कि जब सब काम करें दुरुस्त शरीफ पढ़ लें, दुआ कर लें, फिर काम कर जाए। اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. मौला हम सबके तमाम गुनाहों को माफ फरमा, मौला हम सबके तमाम खताओं को लज़्ज़त को माफ फरमा। रब्बे दो जहां रात के अंधेरे में दिन के उजाले में, मौला जाने में अनजाने में छुप पीछों में बड़े गुनाह हुए हैं, मेहर अपने फ़ज़्ल व करम से माफ फरमा। मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मौला दुनिया की तमाम गंदी मोहब्बतें हमारे दिलों से निकाल दे, अपनी और अपने नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला रमजान इस साल का तूने दे दिया, जिंदगी में ऐसे कई रमजान नसीब फरमा और इस रमजान की तमाम खैर बरकतें नसीब फरमा। लैलतुल कद्र नसीब फरमा, लैलतुल जायदा नसीब फरमा और इनाम का दिन नसीब फरमा। मौला जो रोजों का एहतराम है वो एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमा। मौला हमारे घरों के माहौल को जन्नत वाला माहौल बना दे, अमन वाला माहौल बना दे, प्यार और मोहब्बत वाला माहौल बना दे। मौला जो गुस्सों में हम अपने बच्चों पर, अपने घर की औरतों पर शुरू करते हैं, मौला तू हमें सही सबक नसीब फरमा। रब्बे दो जहां, रब्बे दो जहां, रब्बे दो जहां, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। मौला हमको भी जिंदा रख, तो इस्लाम को जिंदा रख और मौत दे मौला तो हम सबको ईमान वाली करने वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला, मेरे मौला जिंदगी में फिर ऐसे कई रमजान नसीब फरमा। रब दो जहां तू हमारी सारी जरूरतों को जानता है, मुझे सुनाने की बताने की कोई जरूरत नहीं। मौला गैब से हमारी तमाम जरूरतों के मुकम्मल होने का इंतजाम फरमा। मौला जो याद आ गया वो मांग लिया, जो मांग लिया मौला वो भी नसीब फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सबके वो भी नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदी मोहम्मद व आलिही व सहाबी अजमईन बिरहमत किया। भाई कल इंशाल्लाह सुहर की नमाज टिको वाली मस्जिद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुलाकात मैं कल मैं फ्री हूँ, तस्वीरों को पाते बना रहे इतना मुलाकात करना चाहते हैं, मुसाफा करना चाहते हैं।